नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक शॉर्ट ट्रिक कि हम यूएस के प्रेसिडेंट्स को कैसे याद रखें। दोस्तों, आपको पता है 1945 के बाद से अभी तक के जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से चेंज किया, अपने हिसाब से उन्होंने नई डॉक्ट्रिन, नए सिद्धांत लाए, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ डॉक्ट्रिन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। आज मैं बात करूँगा कि आखिर हम इन प्रेसिडेंट्स को क्रमबद्ध रूप से याद कैसे रखें, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछा गया है कि इन्हें क्रमबद्ध लगाएं। तो दोस्तों, ट्रिक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आरटीई का जेन एंड फेब में सीआर बनाया चंडीगढ़ वाली ऑर्गेनाइजेशन ने। सबसे पहले आप समझ लो आरटीई क्या होता है। आरटीई का मतलब यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का जनवरी और फरवरी में सीआर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चेतराम बनाना। चेतराम बनाना मतलब मूर्ख बनाना। चेतराम बनाया चंडीगढ़ वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इसमें आप सबसे पहले देखो आर से यहां पे मतलब है रूजवेल्ट से। रूजवेल्ट राष्ट्रपति रहे हैं 1933 से 1945 तक। इनके तुरंत बाद प्रेसिडेंट बनते हैं टी से है ट्रूमैन। ट्रूमैन प्रेसिडेंट रहते हैं 1945 से 1953 तक, और 1953 में प्रेसिडेंट बनते हैं ई का मतलब है आइजनहावर प्रेसिडेंट रहते हैं 1953 से लेके 1961 तक। आरटीई का से है यहां पर जॉन कैनेडी प्रेसिडेंट रहते हैं 1961 से लेके 1963 तक। उसके बाद ए यहाँ पे साइलेंट है, ए का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैंने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। आप अगर इसको स्मॉल लेटर में लिखोगे आपकी एक ट्रिक बन जाएगी कि जो हमने कैपिटल में लिखा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, और जो स्मॉल में है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये साइलेंट जाएगा जब हम इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे है कैनेडी, जन और फेब में, जे यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, जे से है हमारा यहाँ पे मतलब जॉनसन प्रेसिडेंट रहते हैं 1963 से लेके 1969 तक, और ए यहाँ पे बीच में साइलेंट है। उसके बाद निक्सन प्रेसिडेंट रहते हैं 1969 से लेके 1974 तक। एंड यहाँ पे मैंने सिंबल दिया है इसलिए हमें इसे भी याद नहीं रखना है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जेन एंड फेब में, फेब का यहाँ पे हमारे लिए एफ इम्पोर्टेंट है, एफ से हमारा मतलब है फोर्ड प्रेसिडेंट रहते हैं 1974 से लेके 1977 तक। ई और बी यहाँ पे साइलेंट है और मैं भी साइलेंट है। उसके बाद सीआर बनाया, सी से है यहाँ पे हमारे जिमी कार्टर, ठीक है, कार्टर जिमी मैंने लिखा है, और कार्टर प्रेसिडेंट रहते हैं 1977 से लेके 1981 तक। इन्होंने कार्टर डॉक्ट्रिन दी है। कार्टर के तुरंत बाद प्रेसिडेंट रहते हैं, बनते हैं रोनाल्ड रीगन, सीआर, ठीक है, रोनाल्ड रीगन रहते हैं 1981 से लेके 1989 तक। बनाया में सिर्फ आपका बी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी पूरा का पूरा साइलेंट है। बनाया का मतलब यहाँ पे है जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट रहते हैं 1989 से 93 तक। चंडीगढ़ वाली ओआरजी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, चंडीगढ़, सी से हम यहाँ पे लेंगे क्लिंटन को, हेनरी क्लिंटन प्रेसिडेंट रहते हैं 1993 से लेके 2001 तक, ठीक है। चंडीगढ़ से है हमारे जी डब्ल्यू बुश, सीनियर बुश के पुत्र हैं, ठीक है,
और ये प्रेसिडेंट रहते हैं 2001 से लेके 2009 तक। G.W. बुश ने ही वॉर ऑन टेरर की डॉक्ट्रिन दी थी। और सबसे लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ओ हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओ फॉर ओबामा। ओबामा प्रेसिडेंट रहते हैं 2009 से 2017 तक, और ट्रंप का तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रंप अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। दोस्तों ये शॉर्टकट मैंने अपने पेपर की तैयारी के दौरान बनाई थी, और पूरी की पूरी लिस्ट बनाने के बाद मैंने छत में उल्टे को चिपका दी थी। जब मैं सोता था तो सोते वक्त नीचे से ऊपर को देखता था, और मेरे को ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजीली मुझे ये याद हो गई थी। कैसे याद करता था मैं इसको? रट रट के, जैसे कि RTE का जनवरी और फरवरी में CR बनाया चंडीगढ़ वाली ऑर्गेनाइजेशन ने, RTE का जनवरी और फरवरी में CR बनाया चंडीगढ़ वाली ऑर्गेनाइजेशन ने, और मुझे डेट भी इसकी याद होगी जब मैं इसको बार बार देखता रहा। तो आप भी इस टाइप की ट्रिक्स बना सकते हैं, आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इसी को फॉलो करना है। आपको चंडीगढ़ की जगह कुछ और याद रहता है, ठीक है, तो आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC पर्पज से भी और CBSE नेट के पर्पज से भी। तो इस ट्रिक को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।